राजस्थान के बूंदी जिले की कलेक्टर रुकमणी रियार को जान से मार देने की धमकी दी गई। जी हां, इस खूबसूरत कलेक्टर को एक पत्र मिला जिसमें यह कहा गया कि उन्हें बीच बाजार में गोली मार दी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा भी जांच की जा रही है कि आखिर यह पत्र लिखा किसने है। कहा जा रहा है कि किसी एडवोकेट के नाम से भेजे गए इस पत्र में एडवोकेट के लेटर पैड का भी दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि जिस एडवोकेट का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है उनका यह कहना है कि वे तो पिछले कई वर्षों से बूंदी में कालात करते हैं और उनका साफ सुथरा रिकॉर्ड रहा है। किसी ने शरारत पूर्वक उनके नाम का दुरुपयोग करके अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए कलेक्टर को पत्र भेजा है। कुल मिलाकर रुकमणी रियार, जो कि बूंदी की नई कलेक्टर हैं, उन्हें यह धमकी दी गई है। रुकमणी रियार के पति भी IAS सेवा में हैं और वे झालावाड़ के कलेक्टर हैं। बेहद खूबसूरत दिखने वाली रुकमणी रियार के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे तेज तर्राट होने के साथ ही नियमों के सख्त पाबंद भी हैं। यही वजह है कि बूंदी जिले की जिम्मेदारी उन्हें सबसे पहले सौंपी गई। सत्ता का परिवर्तन होने के बाद तुरंत रुकमणी रियार को यहां पर पदस्थ कर दिया गया और उनके पति को झालावाड़ कलेक्टर की जिम्मेदारी दे दी गई। फिलहाल इस पत्र को लेकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।